मौड़ाना से चंदोली बाबतपुर रिंग रोड में भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। निर्माण कार्य के बीच मुआवजे की मांग को लेकर मुगलसराय तहसील के आधा दर्जन गांव के किसानों ने सुल्तानपुर शकुराबाद गांव के पास रिंग रोड निर्माण कार्य ठप करवा दिए और धरने पर बैठ गए। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर मुगलसराय तहसील प्रशासन और मुगलसराय कोतवाली पुलिस पहुंची और किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं थे। आक्रोशित किसान बाजार रेट से 4 गुना अधिक मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे और काम रुकवा दिया। जिला प्रशासन पर किसानों ने धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगाया और जबरन काम कराने का भी आरोप लगाया। मामले की सूचना मिलते ही सपा के प्रदेश प्रवक्ता मनोज सिंह काका भी मौके पर पहुंचे और किसानों के साथ धरने पर बैठ गए। घंटों मान मनवल का दौर चला, लेकिन किसान टस से मस होने को तैयार ही नहीं थे। अंततः पुलिस को और जिला प्रशासन को बेरंग वापस लौटना पड़ा और रिंग रोड निर्माण रोक दिया गया। हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो भूमि अधिग्रहण कानून है, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, उसके अनुसार जो भूमि का कभी अधिग्रहण कोई सरकार तभी कर सकती है, इस शर्त पे कर सकती है कि उसका जो बाजार मूल्य है उसके 4 गुने से ज़्यादा दे और उसके घर में कम से कम एक नौजवान को नौकरी दे। ये जो सरकार है योगी जी की, मोदी जी की, ये यहाँ पर किसान है, सुल्तानीपुर के मवई कला के किसान हैं, एक किसान के खाते में 1 रुपया नहीं आया है और सारे लोग ये ज़बरदस्ती इनके ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि किसानों का हक जो है वो मिले, तब ये ज़मीन पर काम लगाया जाए, और जब तक किसान का हक नहीं मिलता है हम सब लोग इसका प्रोटेस्ट करते रहेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, और यहाँ किसी तरह का कोई काम नहीं चलेगा। अगर काम एक्सेवेटर रोटावेटर कुछ भी चलेगा तो किसान के सीने पे होके जाएगा। धन्यवाद। जी जी, जमीन की क्या रेट है किसानों? किसान की यहाँ जमीन जो है 25 से 30 लाख रुपया प्रति बीघा है, तो जो उसका बाजार, उसका जो बाजार मूल्य हुआ 30 लाख रुपया बीघा, तो उसकी जो है 4 गुना हुआ, 3 × 4 = 12, 1,20,00,000 रुपया ज़्यादा से जब प्रति बीघा के हिसाब से देंगे तभी ये सुल्तानीपुर का रेट है। जब आप सड़क के किनारे जाएंगे तो मवई का और ज़्यादा है, तो जब आप सड़क के किनारे जाएंगे तो और है। वो सीधा सीधा जो कानून है साहब, उस पर अगर किसान के बाजार मूल्य के 4 गुने से ज़्यादा देंगे तभी किसान अपनी ज़मीन दे पाएगा। धन्यवाद। जी, अपना नाम और परिचय बताओ। हमारा नाम केदार यादव है, मैं किसानों का नेतृत्व करता हूं, मैं खुद भी किसान हूं, इस रिंग रोड में भी हमारी ज़मीन जा रही है। आज आप लोग का, हाँ, ये जो प्रशासन के लोग हैं किसानों की जो भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उनके खाते में उसका मुआवजा 1 पैसा भी नहीं गया, उनकी बोई हुई फसल को बीज जाम रहा है, रौद डाले और प्रशासन के बल पर वो ज़बरदस्ती रोड बनवाना चाहते हैं। आप लोग की क्या मांग है? हम लोगों की मांग है जो बाजारू भाव है, जो लाभ में है, कानून में है, उसका 4 गुना उससे ज़्यादा किसानों को दे दें, उसके बाद हम किस विकास विरोधी नहीं हैं। जब तक किसान का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा, तो हम देश के विकास में किसान बाधक नहीं है। फिर भी किसान का विकास रुक जाएगा तो देश गर्द में मिल जाएगा, क्योंकि किसान का बेटा सीमा का प्रहरी है और किसान देश का अन्नदाता है।